युवाओं की धड़कन बढ़ाने वाली, अपनी कातिलाना अदाओं से सबको रिझाने वाली और हमेशा ही विवादों में घिरे रहने वाली पूनम पांडे को लेकर आज सुबह एक बड़ी खबर सामने आई। ये खबर सुनकर पूनम पांडे के सभी फैंस की दिल की धड़कन थम सी गई। तो आप सभी ये तो जान गए होंगे कि आज सुबह पूनम पांडे की मौत हो गई और वो भी गंभीर बीमारी सर्वाइकल कैंसर से। दरअसल लॉकअप स्टार पूनम पांडे की इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा नजर आया कि आज सुबह हमारे लिए बहुत ही मुश्किल और दुखद रही। हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने अपनी प्यारी पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर के कारण खो दिया है। जो भी उनके संपर्क में आया था वो उनसे बहुत ही प्यार से मिला। इस दुख की घड़ी में हम निजता की मांग करते हैं। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये पोस्ट देख लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। कुछ का मानना था कि पोस्ट फेक है तो वहीं कुछ का मानना था कि उनका अकाउंट हैक हो चुका है। इस पोस्ट को देख एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि अरे ये पोस्ट फेक है क्या, और दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि कहीं पूनम पांडे का अकाउंट हैक तो नहीं हो गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पोस्ट का कंफर्मेशन पूनम पांडे के मैनेजर ने खुद किया है। उन्होंने कहा है कि हाँ ये सच है कि पूनम पांडे की मृत्यु हो गई है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और ये कैसे होता है, इसका कोई इलाज है या नहीं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो आज मैं ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर यूटेरस के सबसे नीचे के भाग का एक घातक ट्यूमर होता है जो गर्भाशय यानी कि यूटेरस के निचले भाग से शुरू होता है और ऊपरी वेजाइना तक जुड़ता है, जिसे सर्वाइकल सर्विक्स कहते हैं। ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV के संक्रमण के कारण होता है। तो चलिए जानते हैं सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, इसके कारण क्या क्या है। तो सर्वाइकल कैंसर का सबसे पहला कारण होता है HPV वायरस। इस वायरस के फैलने से सर्वाइकल कैंसर होता है। उसके बाद दूसरा कारण आता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर मल्टीपल इंटीमेसी। ये एक दूसरा कारण और सबसे बड़ा कारण है सर्वाइकल कैंसर होने का। तीसरा कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इसलिए क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा बच्चे जो वुमेन कंसीव कर लेती है उनमें सर्वाइकल कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और चौथे कारण की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी बहुत बड़ा कारण है। जो वुमेन ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ ही STDs को भी एक मुख्य कारण देखा जाता है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं। अगर कोई वुमेन STDs से पहले से ग्रसित है तो उसको सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस है और वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे हो जाता है। और इसके साथ ही अगर कोई वुमेन धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग करती है तब भी उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का इलाज है या नहीं, और अगर इलाज है तो हम इसके लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो इसके इलाज के लिए सबसे पहले आप सर्जरी करा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर को हटाने के लिए सर्जरी की जा सकती है। ये कैंसर कहां पर और कितना फैला हुआ है ये पता चलने के बाद सर्वाइकल कैंसर सर्जरी के प्रकार को निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो वुमेन है वो कंसीव कर सकती है या नहीं। सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी भी की जा सकती है। इसमें हाई एनर्जी एक्सरे बीम का यूज किया जाता है जो कैंसर के ट्यूमर को हटाता है। ये कैंसर के कुछ स्टेजेस में यूज किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग अन्य उपचार तकनीक के साथ संयोजन में भी किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से भी किया जाता है। इसमें शरीर में मौजूद कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें दवाओं का उपयोग चरणों में किया जाता है ताकि दवाओं को शरीर में काम करने के लिए समय मिल सके। अब बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचाव किया जा सकता है, यानी कि आप सर्वाइकल कैंसर से कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए बस आपको एक वैक्सीन लेनी है, HPV वैक्सीन, जो 6 से 26 साल तक की लड़कियों के लिए उपलब्ध होती है। इस वैक्सीन को लगवाने के बाद आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही पेप स्मियर टेस्ट और HPV स्क्रीनिंग के साथ सर्वाइकल स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन को लेकर हम आपको एक और बहुत ही जरूरी जानकारी दे दें कि जब निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया तो उन्होंने इस वैक्सीनेशन को लेकर भी एक बहुत बड़ा प्रावधान दिया है। उन्होंने कहा है कि 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगवाया जाएगा और उनको उस प्रोग्राम में वैक्सीन दी जाएगी। तो चलिए अब हम वापस आते हैं पूनम पांडे पर। तो हम आपको बताएंगे कि पूनम पांडे ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और उनका किस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी से काफी ज्यादा नाता रहा है। बात करें पूनम पांडे के करियर की तो पूनम पांडे ने एडल्ट वीडियो पोस्ट करके शुरुआत की, जो उनके एक्टिंग करियर का पहला कदम बन गया।
इस वीडियो ने उन्हें इतना ट्रैफिक दिया कि फिर वो कहां रुकने वाली थी। लोग उनके पोस्ट और वीडियो से इतने ज्यादा जुड़ गए कि उनके पेशे को काफी तवज्जो मिली। तो एक सक्सेसफुल एक्टर के साथ साथ पूनम पांडे कॉन्ट्रोवर्सी स्टार भी रही। उनका कॉन्ट्रोवर्सी से बहुत ज्यादा नाता रहा। बात शुरू होती है 2011 से, जब पूनम पांडे एक ही साल में दो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में शामिल हो गईं। सबसे पहली तो तब जब उन्होंने अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जो विवाद का कारण बन गई, और जैसे ही ये फोटो वायरल हुई तो लोगों ने अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। और दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी तब हुई जब पूनम पांडे ने ये वादा कर दिया कि अगर भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतता है तो वो स्टेडियम में अपने कपड़े उतार देंगी, वो भी भारत टीम के लिए। तब लोगों ने इस पर खूब आपत्ति जताई और बीसीसीआई ने भी ऐसा नहीं करने दिया। लेकिन पूनम पांडे कहां रुकने वाली थी? उन्होंने अपने मोबाइल ऐप पर रात में वानखेड़े स्टेडियम में अपने कपड़े उतारते हुए एक वीडियो पोस्ट कर ही दिया। अब इन सब के बाद 2016 में एक बार फिर पूनम पांडे ने ये वादा कर दिया कि अगर भारत जीतता है तो वो फिर से स्टेडियम में कपड़े उतार देंगी। बस इस बार अंतर ये था कि भारत का मैच पाकिस्तान के साथ था, और उन्होंने ये कहा कि अगर भारत पाकिस्तान से जीतता है तो वो स्टेडियम में भारतीय टीम के लिए कपड़े उतार देंगी। उस वक्त ये विवाद इतना बढ़ गया कि ये घोषणा कई लोगों को और खासकर दिल्ली के जेएनयू के छात्रों को पसंद नहीं आई, और उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। और तब सोशल मीडिया पर ये सारा जो मामला था वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। और अब इन सब के बाद आपको वो मामला तो याद होगा जिसमें शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बुरी तरह फंस गए थे, और इस पूरे मामले में राज कुंद्रा के साथ साथ पूनम पांडे भी फंसी थी। पूनम पांडे का कंट्रोवर्सी से नाता यहाँ खत्म नहीं होता है, वो हाल ही में एक और बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई। 2019 में सोशल मीडिया पर पूनम पांडे का एक वीडियो वायरल होने के बाद वो काफी विवादों में रही। उन्हें और उनके तत्कालीन बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे को वीडियो में अनुचित स्थिति में देखा गया था। कई लोगों ने पूनम की इस हरकत के लिए आलोचना की, और कुछ ने उनकी फिल्मों और सोशल मीडिया अकाउंट का बहिष्कार करने की भी मांग की। पूनम ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वीडियो एक निजी क्षण था जिसे आम जनता को दिखाने का इरादा नहीं था। तो मशहूर बॉलीवुड स्टार के साथ साथ कंट्रोवर्सी स्टार रही पूनम पांडे का निधन हो गया है, और वो भी एक गंभीर बीमारी सर्वाइकल कैंसर से। सर्वाइकल कैंसर को लेकर हमने आपको सारी जानकारी बताई, और अगर आपने भी अभी तक HPV वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप जल्द से जल्द जाकर HPV वैक्सीन लगवा लें, ताकि आप भी सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।